नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस समय की ताज़ा जानकारी हम आपको दे रहे हैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की। लगातार कई छात्र एवं छात्राएं हमसे पूछ भी रहे हैं और हम आपको जानकारी देने में सक्षम भी हैं। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि तमाम छोटी बड़ी खबर हम आप तक पहुँचाने में सक्षम रहें। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय पारंपरिक परीक्षा पद्धति से हटकर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों एवं ओएमआर सीट के माध्यम से परीक्षा संचालन पर विचार करने हेतु आज कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में सभी अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य की गूगल मीट के द्वारा ऑनलाइन बैठक हुई। बैठक में कुलपति महोदय ने सभी प्रधानाचार्यों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना महामारी एवं लॉकडाउन के चलते परीक्षाओं का ससमय संचालन नहीं हो सका है, जिसके चलते वर्षों से नियमित सत्र के विलंब होने की संभावना है। समय की बचत हेतु एवं सत्र को विलंबित होने से बचाने हेतु ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने महामहिम कुलाधिपति को इस संबंध में एक प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव में 1.5 से 2 घंटे की पाली बनाकर पालियों की संख्या को बढ़ाकर यदि ओएमआर शीट पर वास्तुनिष्ठ प्रश्नों से परीक्षा संचालित होते हैं तो मूल्यांकन सारणीकरण एवं अंक पत्र तैयार करने में समय की बचत होगी। राजभवन द्वारा कुलपतियों की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा के उपरांत सहमति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि ग्रेजुएशन पार्ट 1, पार्ट 2 तथा पीजी सेकेंड सेमेस्टर एवं फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं यदि वास्तुनिष्ठ प्रश्न पर ओएमआर शीट पर संचालित कराई जाए तो क्या हम सफल होंगे, इसी अभिप्राय आप लोगों की बैठक बुलाई गई है। आरंभ में छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर रत्न कुमार चौधरी एवं विकास पदाधिकारी प्रोफेसर के साहू ने विषय वस्तु को प्रधानाचार्य के समक्ष रखा। प्रधानाचार्यों में सीएम कॉलेज दरभंगा, जीडी कॉलेज बेगूसराय, समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर, आरके कॉलेज मधुबनी, आरबी कॉलेज दलसिंहसराय, सीएम विज्ञान महाविद्यालय दरभंगा एवं एमआरएम कॉलेज दरभंगा ने अपने अपने विचार रखे। कुलपति ने बताया कि यदि इस पद्धति से बिहार में परीक्षा संचालन करने का निर्णय लिया जाता है तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय इसका नेतृत्व करेगी और सबसे पहले मिथिला विश्वविद्यालय इसे करेगी। हम छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों पर इस निर्णय को थोपना नहीं चाहते हैं। हमें अपने छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों की चिंता है, इसलिए सबों के विचार से, सहूलियत से, वैधानिक रूप से इस कार्य को संपादित किया जाएगा। उन्होंने सभी प्रधानाचार्यों से अनुरोध किया कि अपने अपने महाविद्यालयों में छात्रों, शिक्षकों, अन्य हितधारकों की बैठक कर इस पर फीडबैक लें और उस फीडबैक पर मंतव्य के साथ परीक्षा नियंत्रक ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को मेल के द्वारा अवगत करावें। आपके सुझाव मंतव्य आने के बाद परीक्षा परिषद की बैठक में इसे विचार रखा जाएगा। अंत में परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर एस एन राय के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन से बैठक समाप्त की गई। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रेस करें बेल आइकन ताकि तमाम छोटी बड़ी खबर पहुंचाने में हम आपको सक्षम रहें, और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।